फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी अक्सा हमजा। टुडे आई एम हियर विद वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू गाइस। दैट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच, द वर्ड्स विच वी यूज़ इन आवर कन्वर्सेशन डेली। अ पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स द रोल दैट अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस, यानी कि जो रोल अदा करता है, जो भी वर्ड है, जो भी अल्फाज है, उसका क्या काम है सेंटेंस में। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो गाइज, आई एम गोना एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ दीज इन माई टूडेज वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद आर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज़ अ नाउन। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम, एनिमल जानवर का नाम, किसी शहर का नाम या कंट्री का नाम, किसी भी चीज़ का जो आम नाम होता है वो नाउन कहलाता है। प्रोनाउन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी कि वो नाम की जगह इस्तेमाल होता है, ऐसा वर्ड जो नाम के बजाय इस्तेमाल किया जाए, यानी कि ही, शी, इट, दे, ईटीसी। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, यानी कि ईट, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, गोइंग, कमिंग, ये सारे जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं ये सब वर्ब कहलाते हैं, जो मतलब किसी भी काम के होने, करने को जाहिर करता है। चलना, फिरना, उठना, बैठना, जितने भी काम हैं, जितने भी एक्शन हैं, ये सब वर्ब कहलाते हैं। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, जो मज़ीद वर्ब के बारे में बताए, काम के बारे में बताए कि वो किस तरीके से है, जैसे शी रन्स फास्टली, ही सिंग्स लाउडली, ईटीसी। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ब दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, इट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब और क्वालिटी ऑफ पर्सन और समथिंग, किसी चीज़ की क्वालिटी, किसी की खासियत, किसी की मकदार बताने के लिए जो है एडजेक्टिव का वर्ड यूज़ होता है, एडजेक्टिव यूज़ होता है, यानी स्वीट है, सार है, कोई ब्यूटीफुल है, अगली है, जितनी भी चीज़ें हैं वो नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में और मज़ीद उनके बारे में क्वालिटी वगैरह बताए तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड द अदर वर्ड्स। अब प्रपोजिशन जो है ये रिलेशन बताता है नाउन का और दूसरे चीज़ों के साथ, कि क्या जो ये चीज़ है, जो ये बंदा है या कोई भी चीज़ है वो किसके ऊपर है, कहाँ है। कैट है तो कैट कहाँ है, कैट इज़ ऑन द ट्री, ऐसे कह सकते हैं। ये ऑन है, इन, इनटू, अंडर, अबव, देयर आर सो मैनी प्रपोजिशंस विच वी यूज़ इन आर डेली कॉन्वर्जेशन। ये तो प्रपोजिशन जो है बेसिकली वो बताता है कि हमारा रिलेशन क्या है दूसरी चीज़ के साथ, दूसरे वर्ड के साथ। कंजंक्शन, कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू कनेक्ट वर्ड्स, जो है दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ऑल्दो, बट एंड बिकॉज। ये एंड और बिकॉज वाले वर्ड्स जो हैं ये हम दो सेंटेंस को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये कंजंक्शन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी केम स्कूल बट शी वॉज लेट, वो स्कूल आई लेकिन, ये जो लेकिन है ना, लेकिन वर्ड आ रहा है बट शी वॉज लेट, लेकिन वो लेट हो गई थी। तो ये जो कनेक्ट कर रहा है दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है, दो जुमलों को आपस में कनेक्ट करता है, तो कंजक्शन कहलाता है। अफरीदी प्लेड वेल बट पाकिस्तान डिडंट वॉन द मैच, जो है अफरीदी ने बहुत अच्छा खेला लेकिन पाकिस्तान मैच नहीं जीता। तो ये जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करके, जो बीच में ज्वाइनिंग करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो कंजक्शन कहलाता है। आर लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ इंटरजेक्शन, एंड इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जो जाहिर करता है, हमारी इमोशंस को जाहिर करता है, लाइक हुर्रे, वी वॉन द मैच, वाओ, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस, ईटीसी। यानी कि जितने भी इमोशंस को, फीलिंग्स को हम कहते हैं, खुश होके कहते हैं जो बातें कहते हैं और जो हम गमज़दा होके करते हैं, वो सारी जो खुशी और गमी की बातें होती हैं वो सब इंटरजेक्शन में आती हैं। सो गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद, अल्लाह हाफ़िज़।